Hey, what's up YouTube family, it's Mr.aleenn, welcome back to my channel. AJ Camp Vlog, aaj main laya hoon naya VG. Yo baby, to bhai log bade dinon baad ek alag sa vlog aa raha hai. Vlog nahi bol sakti isko, ek normal kuch chota sa video bol lo ab jo main aapko aaj batane wala hu aur jo isme ek surprise hai, to video pura end tak dekhna kyunki main surprise dikhaunga एंड में और कुछ और भी बातें डिस्कस करनी है. तो आज का व्लॉग शुरू करने के मेरे दो बड़े मकसद थे. पहली बात कि दोस्तों बहुत बोले थे कि अलीन व्लॉग्स किधर है, तो यूके वॉच किया, तेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या है, क्या हो रहा है आजकल. तो मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसके वजह से व्लॉग करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इशू के पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं बताता हूँ. ऑन 31 अक्टूबर, ये 31 अक्टूबर को यूके इज़ गेटिंग ब्रेक्सिट विद इंग्लैंड या यूरोप, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इतना पढ़ा नहीं है. तो वो दोनों अलग हो रहे, तो कोई कोई जगह पे ये लोग व्लॉग करने के लिए मना करते हैं बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी पर्पस. और यहाँ पे भी ऐसा अलाउड नहीं है क्योंकि पब्लिक को यहाँ पे अपना स्पेयर मतलब अपना अलग सा टाइम चाहिए हर किसी को. यहाँ की लाइफ बहुत बिजी, आप काम पे जाओ आओ, घर पे खाओ पियो, सो जाओ, किसी दिन काम पे निकल जाओ, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता. तो कोई कोई जगह पे वो लोग व्लॉग करने मना करते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आगे फ्यूचर में मैं आपको नए 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 व्लॉग ला के दे सकूँ. तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि मैं अभी क्या करूँ. मैं इतने दिन से सोच रहा था कि करीबन 2-3 महीने हो गए, और इस 2-3 महीने के अंदर आप लोग ने मुझे तो भी थोड़ा बहुत जो प्यार दिया है, और आप लोग ने मेरा एक वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जो था मेरा चीपेस्ट शूज़ टू बाय इन मेरा रोड, या ऐसा कुछ टाइटल था, जिसको आपने 2000K व्यूज़ दे के साथ ही मेरे 300 सब्सक्राइबर्स का जो मेरा एक छोटा सा एम था एक पहले के जो कंप्लीट हो जाए 500 तक, तो आपने 380 तक पहुंचा दिया है. तो ये व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर भी जो पता है हर यूट्यूबर बोलता है बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ये करो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो फिर वीडियो को अपने फ़ोन के टैब से हटा लो. तो आगे से मैं ये आपके सामने 3 ऑप्शन रखना चाहूँगा कि मैं आगे वीडियोज़ में क्या करूँ. फर्स्ट कि मैं थोड़ी फोटो एडिटिंग और लाइटिंग्स के टिप दूँ, बट नॉट ऑन द यूट्यूब चैनल, बिकॉज यूट्यूब चैनल मैं ट्राई करूँगा अगर बना पाऊँगा तो, बट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माई डिस्क्रिप्शन बिलो दैट देर विल बी इन माई इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन गो एंड फॉलो ओवर देयर. तो थोड़ी बहुत लाइटिंग टिप्स दूँ, थोड़ी बहुत तो फोटोज़ खींचने की टिप्स दूँ, और उसके अंदर कलर ग्रेडिंग्स करना, थोड़े बहुत फ़ोटो को और अच्छा बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो उसकी टिप दूँ. सेकेंडली कि मैं आपको थोड़े बहुत कैमरा गैर्स के बारे में समझाओ कि कौन सी लेंस यूज़ करनी चाहिए, कि ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे आपके पास लाइट कम है तो आप किस चैनल आप लाइट के साथ खेल सकते हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसके बारे में. और थर्डली द लास्ट ऑप्शन, अ शॉर्ट वीडियो अबाउट जिधर में मैं घूमने जा रहा हूँ विथ माई फ़ोन एंड विथ माई सम अनदर गेयर विच आई बाय टुडे से इन दिस वीडियो ऑन द लास्ट, वो करूँ. पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके बताओ मैं अभी आगे क्या करूँ. क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पैसा है कि अलाउड नहीं है कि मैं जाके ब्लॉग कर सके इंडिया में. वी आर फ्री टू डू ब्लॉग एनीवेयर, किधर भी आप जा सकते हो, किधर भी आप कुछ भी कर सकते हो. तो उसी चीज़ को लेके, और ऐसा मत समझना कि अलीन भाई यूके चला गया तो उसको इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं. नहीं भाई, मुझे पता है, बीच में अभी जो फ्लड्स आए तो उसके बारे में पता है. अभी जो नवरात्रि चल रही है आज, अगर मैं आज वीडियो अपलोड कर पाया तो आज नवरात्रि का लास्ट डे है, नवमा दी जिसको हम लोग बोलते हैं नवरात्र का लास्ट डे, और कल है दशहरा. यहाँ पे तो कुछ इतना होता नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा अगर यहाँ पे हम लोग जाएगी जिधर देखने नवरात्रि, तो मैं आपको दिखाऊँगी लंदन में भी नवरात्रि होती है. तो बस उसी के बारे में. और सेकेंडली मैं आज के वीडियो में बड़ी चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ जो आर एफ फॉरेस्ट के साथ जो हो रहा है. मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने देखा नहीं, बट मुझे इंस्टाग्राम पे और बहुत लोग की स्टोरी पे उसके बारे में पता लग रहा है कि आर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड आर जो भी अपन बोल सकते हैं अपने गवर्नमेंट फॉर मेट्रो, दे आर कटिंग 2600 ट्रीज, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट वो लोग ने काटना चालू कर दिया है. तो उसके ऊपर एक व्लॉग बना है कोका व्लॉग ने, तो उसके भी लिंक मैं डाल दूंगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया आर एफ कॉलोनी के अंदर, उसके उसने दिखाया कि कैसे वो लोग
फ्रंट साइड पे नहीं बैक साइड पे ट्रीज कटिंग कर रहे हैं, तो उसको लेके वहाँ की पुलिस ने सेक्शन 144 अलर्ट कर दिया नियर आर ए कॉलोनी के अगर एक और तीन से ज़्यादा पीपल खड़े रहकर बात कर रहे थे दे कैन बी गेट अरेस्टेड और उनके ऊपर चार्जेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे मैं वीडियोज़ देख रहा था उस चीज़ के ऊपर, तो बहुत क्वाइट ऐसा बुरा लगता है यहाँ पे आके वो सब देखने के लिए कि इंडिया में ये सब हो रहा है। बट आई कैंट डू एनी थिंग बिकॉज आई एम हियर इन यूके, बट आई विल सपोर्ट द आर ए फॉरेस्ट। उसके बारे में अभी मैं ये वीडियो को जो इतनी शॉर्ट क्लिप है उसको मैं स्टोरी पे डालना चाहूँगा और उसके बारे में सपोर्ट करना चाहूँगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आगे आए, आज सुबह मैंने देखा शाहिद कपूर का भाई था जो उसका भाई है जिसकी अभी फिल्म आई थी धड़कन में, उनका नाम भूल गया, फिर श्रद्धा कपूर थी, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस जो आगे आए उन्होंने अपील की कि डोंट कट द फॉरेस्ट, बट एज आर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट डिक्लाइन द अपोजिशन ऑफ आर पीपल्स, तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। और ये मत बोलना भाई इंग्लिश बहुत जान रहा है वीडियो के अंदर, नहीं बस जस्ट फ्लो में निकल रही है, ऐसे तो अपन है हिंदी और हिंदी भाषा निकलेगी अपने में से और जो मेरी पागलपंती है ब्लॉग्स में वो दिखती रहेगी। पर अभी यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बने नहीं है, मुझे यहाँ पे आके 3-4 महीने हो गए मैं कुछ दोस्त बना नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना इंटरेक्ट होते नहीं, लोग अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं। और किसी को अगर मैं बोलूँ भी भाई मैं यूट्यूब के वीडियो शूट करना, अगर तू आ जाओ तो बोलेगा पागल है क्या भाई, मेरी स्कूल चल रही है कैसे छोड़ के आ जाओ। इंडिया में मतलब ये सब चीज़ का क्रेज़ था, यहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं है, यहाँ पे अगर कोई सुपरस्टार भी रस्ते पे निकले तो उसको कोई इतना माइंड नहीं करेगा। बीच में जब रणवीर सिंह आए थे यहाँ पे अपने शूट के लिए, कपिल देव के शूट के लिए, तभी भी हम लोग ने मैं तो मिल नहीं पाया था, पर मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया था, बट मैं लेट हो गया था, बस उसकी एक शॉर्ट क्लिप है तो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा वो। हम लोग लेट हो गए थे, मैं लोकेशन पे पहुंचा था बट फ़ायदा नहीं रहा क्योंकि तब तक वो फिल्म का रैपअप हो गया था। तो मैंने जब देखा कि वहाँ पे सब नॉर्मली अपना जा रहे, नॉर्मल शूट हो रहा, कोई किसको पता ही नहीं कि कोई एक्ट्रेस है, मतलब जो इंडियन लोग हैं जो देख के समझ जाते हैं हाँ दिस इज रणवीर कपूर, तो वो लोग आके लुक देते, पर बाकी यहाँ के सिटीज़न लोग कोई लुक नहीं देते इतना, और यहाँ पे इतना माइंड भी नहीं करता अगर मैं फ़ोन और कैमरा लेके ब्लॉग करना चालू करूँ। बट यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है, यहाँ पर हर जगह कैमरा लगाए रहते, तो कभी भी अभी तो मैं ब्लॉग करके यूट्यूब पे डाल दूँ पर कल परसों वो लोग मेरे घर से पेनल्टी भेज सकते हैं, यू आर यूजिंग कैमरा ऑन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी, तो मुझ पर फ़ाइन लग सकता है। और ऐसे भी यहाँ का पाउंड बहुत बड़ा था, यहाँ के फ़ाइन भरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं बीच में ब्लॉग नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि नए आए हैं तो थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस यही था ब्लॉग में, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो अब कि मैं आगे अभी वीडियोस किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। इंडिया में था तो ये आइडिया था हाँ ये फैशन सेंस पे इस पर बनाओ, इधर घूमो इधर करो, ये फोटोशूट की जगह दिखाओ, यहाँ पे दिखा के मतलब नहीं फोटोशूट की जगह, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स 80 सब्सक्राइबर्स है तो मतलब है नहीं कुछ करके। तो फिर इसलिए मैं आपको पूछने के लिए ब्लॉग बना है कि अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ब्लॉग का टाइटल भी यही रहेगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस इसी के साथ अब हम लोग वीडियो एंड करने पे आए हैं, तो मैं आपको जो सरप्राइज के बारे में बताने वाला था वो है एक मिनट, ये हमारा न्यू 360 360 कैमरा, ये मैंने जस्ट नया नहीं मतलब इन द सेंस मुझे एक जगह से ऐसा वो हुआ है, किधर से चला मिला है मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये है 360 कैमरा जिसको बोला जाता है, फॉर अगर आप लोग ने देखे रहे कि मुंबई का निखिल्स हो गए, मुंबई का निखिल हो गया तो और गौरव तनेजा हो गया, फिर बहुत लोग इसको लेके शूट करते हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ 3-4 या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर पूरा एक अपना जो सराउंडिंग एरिया है या तो कुछ टूर करूँगा इसके साथ 360 कैमरे के साथ। 360 कैमरा मैं नहीं रहेगा, मतलब मेरा ये भी कैमरा रहेगा तो वो व्लॉग बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो मैंने ये नया गियर लिया है 360 कैमरा, इसके भी फुटेज अच्छी है, पर वैसे अभी कुछ फुटेज नहीं है, मैंने अभी तक इतनी अच्छी इसको टेस्ट नहीं किया अच्छे से, पर अगर मैं भी ट्राई करूंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसके एक टाइम लैप्स लेकर ट्राई करता हूँ आपको कैसा लगेगा। नॉर्मल कैमरा जैसा रहता है पर 360 व्यू रहता है वो अलग बात रहती है इसकी। तो ये मैंने ये है सैमसंग गियर 360, अभी इसके बारे में कोई इतना कुछ पता है नहीं, बस इतना पता है कि इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है, 3-4 आवर्स तक लंबा चलता है ये, इसकी नॉर्मल जैसे फ़ोन की बैटरी रहती है इसकी वैसे ही बैटरी, एकदम छोटी सी बैटरी है इसकी, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है इस जगह पे और चार्जिंग है इसके अंदर। और इसका मैंने क्वालिटी टेस्ट नहीं, पर इसको मैंने जब जब फ़ोन से कनेक्ट करके यूज़ करना चाहा पर इसकी जैसे आप सब बोल सकते हो इसकी क्वालिटी क्वाइट बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो बस आगे इसके साथ एक व्लॉग लेके आए, तो बस मैं यही दिखाने के लिए आप लोग के साथ ये एक मोमेंट शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो बस आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो और कुछ था नहीं मुझे बोलने के लिए, बस मुझे मैं यही सब चीज़ें बोलने के लिए आया था। तो अभी आप मुझे बताओ कि मैं आगे इंस्टा क्या करूँ जिससे आप लोग को भी अच्छा लगे और आप लोग को भी लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो मैं क्या चीज़ डालूँ अभी अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अभी मैं आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने यहाँ पर ये सीखने आया हूँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो मेरे वो सब चीज़ के कोर्स चल रहे हैं, तो मैं को टाइम नहीं मिल पाता है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आज मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि आज मुझे शाम में जाना है, इसलिए तो मैंने जस्ट ट्राई किया कि थोड़ा बहुत बातचीत करके मैं ये वीडियो आप लोग के सामने ला सकूं। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हुए, और सभी मेरे इंडियन भाई बहनों को हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रा, और दिवाली भी आ जाएगी अभी बहुत जल्दी, हमारे यहाँ पे हैलोवीन आने वाला है, तो उसमें मैं शायद तक आपको व्लॉग कराऊँगा, यहाँ का क्रिसमस दिखाऊँगा, यहाँ की न्यू ईयर दिखाऊँगा, वो सब टाइम पर मैं आपको व्लॉग करके डालते रहूँगा। यहाँ पे कुछ इतना क्वाइट, इतना अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं, बट कैसे कि कंटेंट एज प्रोवाइडिंग जो कंटेंट्स बोल सकते हैं वैसे रहते थोड़े बहुत, और कोई कोई जगह पे ऐसे पार्टीज में ऐसा मैं कैमरा लेके बीच बीच में घूमूंगा, तो वो लोग भी थोड़ा और लगेगा कि ये क्या कर रहा है, मुझे देखिए इतना बड़ा कैमरा लेके मैं सब में क्या शूट कर रहा हूँ। यहाँ के लोग ऐसे तो इतने बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ का सबसे मुझे अच्छा एक रिवाज लगता है कि अगर लगा भी ना हो गलती से, थोड़ा वैसे टच भी हो गए, प्रो सॉरी, आई एम सॉरी, थैंक यू, ये चलता रहता है। और इंडिया में थोड़ा को चपेट मार दे, यहाँ से उधर तक कर दे, क्या रे चपेट कैसे मारा तूने, सॉरी कोई नहीं बोलेगा, झगड़े करने पे तूने मुझे मारा कैसे, यहाँ पे उतना कोई टाइम नहीं हो लोग के, लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वहाँ पे रास्ते पे खड़े रह के झगड़ने लगे कि तूने मुझे मारा क्यों, तूने मुझे ये क्यों किया। यहाँ पे बस सब अपने अपने में लगे रहते, क्योंकि हर किसी को अपना घर भर अपना घर चलाना, अपना हर कुछ देखने रहते, इसलिए तो बस आज के लोग इधर ही एंड करते हुए। तो मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, तो बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया कट के बीच में, तो पता नहीं अच्छे से हो गई, तो दूसरी बैटरी मेरी डेड थी, तो मैं थोड़ा टाइम लिया चार्ज हुआ तो इसलिए वापस आया। तो बस यही सब बोलने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था, तो बस मुझे यही सब टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। तो अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि आगे मैं क्या करूँ, अभी आगे चैनल पर क्या कंटेंट करूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आज के यही था, इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं एंड। तो बस मिलेंगे कभी भी ना कभी किसी नए ब्लॉग के साथ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वही घिसा पिटा हुआ हमारा हर किसी यूट्यूबर का डायलॉग, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके दबा के लाइक करो, बस जो करना है करो। तो बस मेरा एक सोशल मैसेज था ये वीडियो के अंदर, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो चालू किया, आगे आगे कंटेंट आते रहेंगे। तो ओके बाय, सी यू अगेन, शपक है, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।